इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर निर्भया के दोषी पवन ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच अब सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि दोषी पवन ने घटना के वक्त अपने आप को नाबालिग होने का दावा किया था और उसी याचिका को लेकर अब सोमवार को 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि हालांकि इससे पहले भी इसी बात का हवाला हाईकोर्ट की तरफ से जब दिया गया था तो उस वक्त दोषी के वकील को भी यहां पर फटकार लगाई गई थी कि ये कहीं ना कहीं अदालत का जो वक्त है उसको बर्बाद किया जा रहा है और इसमें जुर्माना भी उन पर लगाया गया था। लेकिन एक बार फिर से हाईकोर्ट का जो फैसला उस पर चुनौती यहां पर, और अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, पवन ने भी अब अपनी एक याचिका लगा दी है जिसमें अपने आप को घटना के वक्त नाबालिग होने का दावा किया है। हालांकि इससे पहले भी यह मामला सामने आया था, उस दौरान फटकार लगा दी गई थी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है इस मामले में? अब देखिए, लगभग 2.5 साल पहले जब इन दोषियों को फांसी की सजा का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद ही लगातार पवन तरफ से प्रयास किया जा रहा था कि वो जब घटना हुई उस टाइम जुवेनाइल था और इस वजह से उसे केस से ढील दी जाए, क्योंकि एक और जो जुवेनाइल आरोपी था वो छूट गया है, तो उसी तर्ज पे अपने आप को यहाँ पे जुवेनाइल बताते हुए यहाँ पे डाली गई थी याचिका, क्योंकि हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी, उस टाइम फटकार लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है और आज इसे लेके सुनवाई होनी है और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि किस तरह के प्रमाण पवन की तरफ से दिए जाते हैं, जो क्या वो उसे जुवेनाइल प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट शायद ही उन्हें चेंज करता है। ज्यादातर डिसीजन जो हाई कोर्ट के होते हैं, आईजीटी सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तरह के डिसीजन सामने देखने में आते हैं। जी चलिए, फिलहाल धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।